Saudi Arabia is set to open its first liquor store within a few weeks. However, the caveat here is that the alcohol will be catered exclusively to non-Muslim diplomats, as Muslims will not be allowed to enter the premises. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाज़रीन, अल्लाह ताला के सिवा और कोई मबूद बरहक नहीं। अरब के लिए तबाही इस शहर से आएगी जिसके वाक़े होने का ज़माना करीब आ गया है। आज याजूज मजूज की दीवार में इतना शिगाफ पैदा हो गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे और शहादत की उंगलियों के जरिए हल्का बनाकर इसकी वजाहत की। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम में नेक लोग होंगे फिर भी हम हलाक कर दिए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब खबास्तें बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, सऊदी अरब ने कहा है कि वो गैर मुस्लिम तारिकीन वतन के मुंतखब ग्रुप को शराब फरोख्त करने के लिए रियाज में एक दुकान खोलेगा। 70 सालों में यह पहला मौका होगा कि सऊदी अरब में शराब फरोख्त की जाएगी। नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले नए वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल साहिब जी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नाज़रीन, सऊदी अरब में सन 1952 से शराब पर पाबंदी आयद है, जब शाह अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में धुत बरतानवी सफारतकार को गोली मारकर हलाक कर दिया था। ये नहीं बताया गया कि शराब आम गैर मुल्कियों के लिए दस्तयाब होगी या सिर्फ सफारतकारों तक ही महदूद रहेगी। शराब रियाज में जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बकरियां चराने वालों का बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करना क़यामत की निशानियों में से है। जद्दा में भी एक बुलंदो बाला टावर तैयार हो रहा है जिसकी बुलंदी 1 किलोमीटर तक होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है और ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होगी। हर बाशऊर सोच सकता है, यही रकूम अगर जहालत के खिलाफ और मुस्लिम उम्मा की तामीर में लगा दी जाए तो आने वाली नस्लें अपने इन आबा को दुआओं और मोहब्बतों से याद रखकर दुआगो होंगी। बदकिस्मती देखें कि मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के बिलमुकाबिल क्लाक टावर के नाम से ऊंची इमारत खड़ी कर दी गई है। अगरचे इसकी आमदनी हरमैन शरीफैन के लिए वक्फ है, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों की अक्सरियत जिसने भी मस्जिदुल हराम की ज़ियारत की है इसको नापसंद किया है। हदीसे मुबारक में आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो कि मक्का मुकरमा का पेट चीरकर नहरों जैसी चीजें बना दी गई हैं और मक्का की इमारतें पहाड़ों की चोटियों के बराबर ऊंची हो गई हैं, तो समझ लो कि मामला तुम्हारे सर पर आ चुका है, इसलिए संभल कर रहो। नहरों का पेट चीरने से मुराद इसकी तामीरात हैं। आज हम देख सकते हैं कि मक्का मुकरमा में वाकई कितने ही पहाड़ों को चीरकर सुरंगें और जमीन दोज रास्ते बना दिए गए हैं। मक्का मुकरमा की इमारतें न सिर्फ पहाड़ की चोटियों के बराबर हो गई हैं, बल्कि बास जगह इनसे भी ऊंची चली गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बयान करते हुए फरमाया, ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाएंगे और फख्र करेंगे। एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं जहां कोई एक पत्ता भी नहीं मिलता था, वहां अब गंदम की काश्त हो रही है और खसूसन सऊदी अरब गंदम की काश्त में खुद कफील हो चुका है। कह साली के इन इलाकों में अब बारिशें बे इंतहा होती हैं, बल्कि सैलाबी कैफियत पैदा हो रही है। पहाड़ों पर भी सब्जा नजर आना शुरू हो चुका है, अगरचे इसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क़यामत की निशानियां बयान किया था और फरमाया था, ये रेगिस्तान दोबारा सरसब्ज हो जाएंगे। मक्का के करीब हाथी की बाकियात मिल चुकी हैं और हाथी अमूमन वहाँ होता है जहाँ सब्जा होता है। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हम सभी जानते हैं, जब शैतान हमसे कोई बुरा काम करवाना चाहता है तो सबसे पहले वो छोटे गुनाह की तरफ माइल करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान बड़ा गुनाह भी कर बैठता है, जिसकी वाज़ह मिसाल सऊदी अरब आपके सामने है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए।